महेवा हरैया मार्ग पर करमदाड गांव के पास बना पुलिया एक टूट जाने से आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोमवार को पुलिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष सर्वेश राय को ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर निर्माण की मांग की। साथ ही चंद्रमणि पांडे सुदामा ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से वार्ता कर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। इसका यही है कि कम से कम 2 साल हो गया, माननीय सांसद विधायक जी हम लोगों को आश्वासन दिए कि हाँ ये पुलिया बनवा देंगे, तभी से टूटा पड़ा हुआ है। कम से कम दर्जनों गाँव के लोग इधर से निकलते हैं, आप खुद यहाँ देख लीजिए, प्रेस भाई लोग सब देख लीजिए कि किस हालत में यह पुलिया है। कल भी यहाँ पे अभी लोग निकलवाए हैं, मोटरसाइकिल वाला गिर गया पुलिया में गया, वहाँ से हम लोग उसको निकाल करके लाए। यहाँ कौन बैठा रहेगा किसी को निकालने के लिए? कभी भी किसी की भी मौत हो सकती है। हम लोग विधायक जी से, सांसद जी से, सब लोगों से मिले और सबसे रिक्वेस्ट किए, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्थानीय प्रशासन ने कुछ व्यवस्था किया? यहाँ के प्रशासन ने व्यवस्था किया सर, वो देखिए आप कैमरा दिखा दीजिए, वो मिट्टी गिरवाए थे वहाँ, आज वो मिट्टी भी बह गई। यहाँ जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोग बाजार जा सकते हैं। कितने गांव के ग्रामीण इस रास्ते जाते हैं? यहाँ से कम 5500 गांव के लोग, आप ये समझ लिए कि यहाँ से सीधा श्रृंगी नारी और परशुरामपुर तक के लोग इधर से होके आते हैं, और ग्रामीण से जाने का रास्ता सिर्फ यही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पांडे।